हाय गाइस, वेलकम टू द सेवेंथ वीडियो ऑफ फोर्थ चैप्टर। अपन ने सिक्स वीडियो तक पूरा वो कंसेप्ट जो पढ़ना था अपन ने सारे पढ़ लिए कि यार सबसे पहले क्या था कि बैंकिंग सर्विस के बारे में पढ़ा, उसके बाद अपन ने इंश्योरेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस और फिर टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, फिर लास्ट इसके प्रीवियस में क्या पढ़ा था अपन ने कि पोस्ट ऑफिस सर्विस और टेलीकॉम सर्विस के बारे में। अब अपन आते हैं क्या क्वेश्चंस की इस चैप्टर में से क्वेश्चंस कौन क्या क्या आएंगे, मेन जो इम्पोर्टेंट वो कौन सा है, इसमें टॉपिक कौन सा है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे मैंने बीच में बता दिया कि यार ये जो इंश्योरेंस है ना, तो इंश्योरेंस जो पूरा है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मेनली अगर 70% इस चैप्टर का वेटेज उसके अंदर ही है। उसमें क्या क्या जाता है, एक तो प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस और सेकेंड क्या है टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। अब और क्या है इसमें, सर्विस के फीचर्स, तो ये तो ठीक है नॉर्मल है। फिर बैंकिंग के इसमें भी अगर अदर टाइप्स ऑफ सर्विसेज देखते अपन की अदर साइड टाइप्स ऑफ सर्विसेज में क्या क्या जाता है कि बैंक ड्राफ्ट है, ओवर ड्राफ्ट है, बैंक चेक है, ये सब आ जाएगा। ये तो थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर अपन पोस्ट ऑफिस की सर्विस देखे तो वो दो टाइप की थी, एक तो मेल सर्विस और फाइनेंस सर्विस। ये भी ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी कम है पर कभी कभी ये भी आ जाता है। अब अपन आते हैं क्वेश्चन के आएंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर में से 90% इनडायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब केस स्टडीज आएगी 90%। सिर्फ 10% ऐसे चांसेस है कि वो डायरेक्ट पूछ लेंगे आपसे, वरना वो केस स्टडी या ऐसे कुछ घुमा फिरा के ही पूछेंगे। अब पहले अपन एमसीक्यू, इस चैप्टर में एमसीक्यू भी बहुत सारे बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि तो इसमें बहुत सारी टेक्निकल चीजें है। कैसे, जैसे वो ये पूछेंगे मिनिमम जो आरटीजीएस की लिमिट है वो कितनी है। तो अपन ने पढ़ा था कि यार एनईएफटी की तो कोई मिनिमम लिमिट नहीं है, पर आरटीजीएस की है। आरटीजीएस की क्या थी, 2 लाख रुपए, है ना। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि आरटीजीएस की मिनिमम लिमिट 2 लाख रुपए है। फिर और क्या क्वेश्चन आता है कि यार कौन सा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब इंश्योरेंस का ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है जिसको अश्योरेंस बोलते हैं अपन, तो वो क्या लाइफ इंश्योरेंस। फिर एटीएम का फुल फॉर्म क्या है, फर्स्ट है ऑटोमेटिक टेकिंग मशीन, सेकेंड है एनी टाइम मशीन मनी, और थर्ड है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, और लास्ट है नन ऑफ द अबव। तो इसमें क्या होगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। फिर नेक्स्ट क्या है, द पर्सन हु गेट्स कंपनसेशन, ऐसा पर्सन जो प्रीमियम पे करता है उसको कंपनसेशन मिलता है, उसको क्या बोलते हैं अपन इंश्योर्ड, मतलब इंश्योर्ड मतलब जो व्यक्ति, मतलब जैसे एक आम व्यक्ति उसको इंश्योर्ड बोलते हैं, और जो इंश्योरर है वो कौन हो गया, इंश्योरेंस कंपनी होती है। फिर और क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्ड अलाउ द स्पेंडिंग मनी अप टू द बैलेंस इन योर अकाउंट, ऐसा कौन सा कार्ड है जो आपको जितना आपके अकाउंट में बैलेंस है ना उतना खर्चा करने की परमिशन देता है, वो कौन सा हो गया डेबिट कार्ड। और ऐसा कौन सा कार्ड है जो आपको आपके अकाउंट में जितने रुपए है, मतलब रुपए तो है ही ना आपके अकाउंट में, तो भी आपको खर्चा करने के लिए अलाउ करता है, वो क्या हो गया क्रेडिट कार्ड। ठीक है, फिर ऐसी कौन सी सर्विस है बैंक की जो आपको आपके अकाउंट में अगर 1000 रुपए तो आपको 2000 रुपए तक निकालने के लिए परमिट कर सकती है, वो कौन सी सर्विस हो गई, ओवरड्राफ्ट सर्विस, मतलब ओवरड्राफ्ट जितने हैं उससे ज्यादा आप निकाल सकते हो। फिर ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसको आप डेटर और क्रेडिटर दोनों के नाम से बुलाते हो, मतलब वो डेटर, डेटर अपन अकाउंट्स में भरते ही, डेटर मतलब कि जिसको अपने को रुपए, जिससे रुपए अपने को लेने, और क्रेडिटर मतलब जिसको अपने को रुपए देने। ठीक है, तो ऐसी कौन सी इंस्टीट्यूशन जिसको डेटर और क्रेडिटर दोनों बुला सकते हैं, तो वो है बैंक। क्योंकि बैंक क्या करता है, जो डिपॉजिटर्स है उनसे रुपए लेता है, तो डिपॉजिटर्स के वो क्या हो गया क्रेडिटर हो गया, और एक क्या होता है जो जिसको लोन देता है वो, है ना, तो वो क्या हो गया उनके लिए क्या हो गया डिपॉजिटर्स के लिए वो क्या हो गया डेटर्स हो गया, और जो जिनको लोन दिया उसके लिए क्या हो गया क्रेडिटर हो गया। फिर टू विच ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी, हाँ ऐसी कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी जिसमें प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी अप्लाई नहीं होता है। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी क्या बोलता है कि यार ये जो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कौन सी टाइप ऑफ इंश्योरेंस जिसमें प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी नहीं लगता है, वो है लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, एट विच टाइम द इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस के केस में जो इंटरेस्ट है वो कब होना जरूरी है, तो वो कब होना चाहिए, जब आप पॉलिसी ले रहे हो तब वो होना चाहिए इंश्योरेबल इंटरेस्ट, उसके बाद हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, फायर में क्या है दोनों टाइम होना चाहिए, और मरीन में क्या है जब लॉस है तब होना चाहिए, पॉलिसी ली तब होनी हो चलता है। ठीक है, हु कैन गेट एन ओवरड्राफ्ट फ्रॉम बैंक, ओवरड्राफ्ट जो अपन ने पढ़ा था कि यार 1000 रुपए 2000 विड्रॉ करने का मेरे को राइट चाहिए, तो वो किसको मिलता है, वो सिर्फ
एक बिजनेसमैन जिसका करंट अकाउंट है उसको ही मिलता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, मतलब करंट अकाउंट के साथ आती है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, आपको सेविंग अकाउंट इसमें नहीं मिलेगी। ठीक है, फिर द केस ऑफ लॉस मस्ट बी रिलेटेड टू द पर्पस ऑफ इंश्योरेंस। ये कौन सा प्रिंसिपल बोलता है क्या कि जो लॉस का लॉस जिसकी वजह से हुआ है ना, द कॉज ऑफ लॉस मस्ट बी रिलेटेड टू द पर्पस ऑफ इंश्योरेंस, मतलब जिससे रिलेटेड आपने इंश्योरेंस कराया है उससे रिलेटेड ही लॉस होना चाहिए, तो ये हम आपको पे करेंगे। वो क्या हो गया, प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रोक्सिमा, वो बोलता है लास्ट वाला, ये लास्ट सेकेंड वाला था। ठीक है, वो क्या बोलता था क्या, जिस मैटर में आपका लॉस हुआ उसी मैटर से रिलेटेड अगर इंश्योरेंस पॉलिसी है तो ही हम आपको कंपनसेशन देंगे। द इंश्योर्ड मस्ट टेक केयर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और अदर थिंग्स फॉर विच इंश्योरेंस इज बीन टेकन एज ही वॉज टेकिंग इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर उसने उस चीज जिसमें भी अगर आपने फैक्ट्री का फायर इंश्योरेंस लिया है और फायर हुई है तो आपको उस फैक्ट्री का वैसे ही ध्यान रखना है, अगर आपने इंश्योरेंस नहीं लिया होगा जिस टाइप से लेते हैं। ठीक है, अगर इंश्योरेंस नहीं लिया होता तो आप फटाफट फायर इंश्योरेंस को कॉल करते हैं, उस पे रेती पानी जो वो रहता है CO2 सिलेंडर ये सब रखते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, और आपको आग बुझाने की वो करते हैं, ट्राई करते हैं, तो ये क्या बोलता है कि अगर आपने इंश्योरेंस ले रखा है तो भी आपको ये काम तो करने ही पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि यार आप इंश्योरेंस कंपनी का लॉस खराब बनना ज्यादा। नेम द सेंट्रल बैंक, अपनी कंट्री इंडिया की सेंट्रल बैंक कौन सी है। इंडिया की सेंट्रल बैंक है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इंडिया की सबसे वो लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक वो क्या हो गई, RBI तो सेंट्रल बैंक हो गई, वो पब्लिक से डील नहीं करती है ना। और सेकेंड क्या है, लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक मतलब सबसे बड़ी कमर्शियल बैंक कौन सी है, वो है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर वाई इज लाइफ इंश्योरेंस कंसिडर्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अश्योरेंस। ये अपन ने पहले ही पढ़ा था कि यार लाइफ इंश्योरेंस को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अश्योरेंस क्यों बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें एक तो रिस्क जो अपन कवर कर रहे हैं, डेथ की रिस्क कवर कर रहे हैं, तो डेथ होना तो सर्टेन है, डेथ आज नहीं तो कल होगी होगी, तो अश्योरेंस क्या है कि यार आपकी रिस्क सर्टेन है, मतलब आपको जो कंपनसेशन मिलेगा वो भी सर्टेन है। और सेकेंड क्या हो गया कि इस पे एक तो वो आपको कंपनसेशन कंपलसरी मिलेगा, और ये एज अ टाइप ऑफ आप इन्वेस्टमेंट भी यूज कर सकते हो लाइफ इंश्योरेंस को, अगर आपको कहीं इन्वेस्ट करना है तो और कहीं जगह नहीं मिल रही था लाइफ इंश्योरेंस में कर दो, तो इससे आपके रिस्क भी कवर हो गए, एक टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट भी हो गया। व्हाई इज बैंक कॉल्ड डेटर एज वेल क्रेडिटर, ये मतलब लॉन्ग टाइप है, 3 मार्क्स में आ सकता है कि बैंक को डेटर और क्रेडिटर क्यों बोलते हैं, क्यों, क्योंकि बैंक का काम ही क्या है, टेकिंग डिपॉजिट फ्रॉम द जनरल पब्लिक एंड यूजिंग इट फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो जिससे वो ले रहे हैं तो बैंक उनके लिए क्या हो गई, जिनसे ले रहे हैं उनके लिए डेटर हो गई बैंक, और जिनको दे रहे हैं उनके लिए बैंक क्या हो गई, क्रेडिटर। तो किसी के लिए डेटर रहती है बैंक, किसी के लिए क्रेडिटर रहती है। ठीक है, फिर ये क्या हुआ, राजीव ने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली है ना कार की उसकी, और 1 साल की इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, और 3 महीने बाद राजीव ने संजीव को वो सेल कर दी कार। ठीक है, फिर क्या होता है, 3 महीने बाद बेची, और फिर 6 महीने बाद उस कार में घूम जाती है, तो फिर राजीव जाता है इंश्योरेंस कंपनी के पास, बोलता है कि यार जो हमने कार ली थी वो चोरी हो गई है, जिसका इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, हम आपको कंपनसेशन चाहिए। तो फिर क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी राजीव को ना बोल देती है, क्यों, क्योंकि उसका अब इंश्योरेबल इंटरेस्ट ही नहीं उस कार में, उसने कार बेच दी मतलब उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी अब खत्म हो गया। तो उस केस में क्या होना चाहिए, दोनों टाइम पे आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। अब अगर वो जाता है संजीव जाता है, उसने नई अगर इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, तो संजीव उस पर क्लेम कर सकता है कंपनसेशन, क्यों, लॉस ऑफ कार हुआ, उसको लॉस हुई कार, तो वो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। ये कौन सा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अब जो अच्छा ये बहुत बड़ा है, क्या बोल रहा है ये एक बार पढ़ते हैं, है ना। मानसी इज रनिंग अ जनरल स्टोर, मानसी एक जनरल स्टोर रन कर रही है, उसने क्या एक फ्लड और नेचुरल डिजास्टर मतलब फ्लड अर्थक्वेक को इनके लिए वो ले रखा है, एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, कितने की, 50 लाख की। फिर एक दिन क्या होता है कि सिटी में बहुत तेज पानी आता है और फ्लड आ जाती है, फ्लड की वजह से क्या होता है कि उसके जो सामान थे 13 लाख रुपए के सामान और फर्नीचर और ये पानी की वजह से खराब हो जाते हैं। ठीक है, और फिर क्या फ्लड आती है ना जैसे ही, तो उसकी वजह से जो उनका वो रहता है जो सिक्योरिटी वो रहती है ना कि गेट पे ताला वाला मतलब लगाना भूल जाती है और चोर घुस जाते हैं,
उसके अंदर, और वो 5 लाख रुपए के सामान चोरी करके चले जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या बोलती है इंश्योरेंस कंपनी, तो 13 लाख रुपए जो सामान खराब हुए वो, 5 लाख रुपए जो चोरी हुए वो, और 25 लाख रुपए और मांगती है। क्यों? कि उसको अब जो खराब हो गया है अब तो नया सेटअप करेगी, तो अब वो चाहती है कि आप नया जो सेटअप करें फुल AC हो, और नई नई अच्छी मतलब इंटीरियर डिजाइनिंग करके अब वो नया चालू करना चाहती है। तो उसके लिए भी वो बोलती है इंश्योरेंस कंपनी को, मेरे को 25 लाख रुपए भी चाहिए। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलती है कि हम तो सिर्फ 13 लाख रुपए देंगे। तो वो फिर से काउंटर वो बोलती है कि नहीं, हम मेरे को तो 43 चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने तो 50 लाख तक का ले रखा है और मैं पूरे 42 क्लेम करूंगी। अब वो अपने से पूछते हैं, क्या पूछ रहे अपने से, व्हाट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, कि इंश्योरेंस का फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या यूज हो रहा है पे। तो वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रोक्सिमा, जो मैंने पढ़ा था क्या लॉस किससे रिलेटेड होना चाहिए, जो आपके सब्जेक्ट मैटर है पॉलिसी का उससे रिलेटेड होना चाहिए, तो ही हम आपको क्लेम देंगे। तो इसमें सब्जेक्ट मैटर क्या था, फ्लड अर्थक्वेक और ये थे, तो जो फ्लड की वजह से लॉस हुआ है उसके लिए हम आपको कंपनसेट करेंगे। फिर सेकंड पूछा, आइडेंटिफाई वैल्यू विच मोटिवेट हिम और हर टू टेक एन इंश्योरेंस, वो क्या बोल रहे क्या कौन सी चीज जो उसको हेल्प कर रही है ये इंश्योरेंस लेने के लिए। वो क्या था, रिस्क कवरिंग, रिस्क मतलब उसकी जो रिस्क थी वो लेस करने के लिए, ठीक है। और लास्ट क्या, आइडेंटिफाई एक्सप्लेन द प्रिंसिपल इंश्योरेंस, ये पूछ रहे क्या जो आपने ऊपर आइडेंटिफाई करा प्रिंसिपल उसको आप एक्सप्लेन करो। तो अपने क्या था प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रोक्सिमा, वो अब आपको थर्ड पॉइंट में एक्सप्लेन करना है। तो वो इंश्योरेंस कंपनी क्या सही थी 13 लाख रुपए देने में, क्यों? क्योंकि फ्लड की वजह से सिर्फ 13 लाख ही हुए लॉस, और जो 5 लाख रुपए हो तो उसकी गलती थी, आपने सिक्योरिटी सही से नहीं रखी या आपने सही से लॉक नहीं करा, उसकी वजह से चोर आया, तो उससे इंश्योरेंस कंपनी को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। फिर स्टडी द फॉलोइंग केसेस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसमें क्या हो रहा है, चेतन गेट्स हिज ऑयल गोडाउन डबल इंश्योरेंस, जो कौन था चेतन था उसका एक ऑयल गोडाउन था, उसमें उसका डबल इंश्योरेंस ले रखा है ना, एक 5 लाख रुपए का ले रखा है और एक 15 लाख रुपए का ले रखा है। फिर एक दिन क्या होता है, उस जो ऑयल का वो था उसका गोडाउन, उसमें फायर लग जाती है, उसको उस फायर की वजह से 6 लाख रुपए का नुकसान होता है। तो वो बोलता है उसको जो फर्स्ट कंपनी उसको बोलता है कि 6 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, मैंने 5 लाख का तो आपसे करा रखा है, आप मेरे को 5 दे दो, और जो 15 है उससे भी जाके बोलता है कि मैंने 15 का आपके पास करा रखा है, आप मेरे को 6 दे दो, ठीक है। तो फिर क्या बोलती है इंश्योरेंस कंपनी, अब वो अपने से पूछ रहे कि वो सही है क्या, तो अपन लिखेंगे नहीं वो सही नहीं है। और वो सेकेंड उन्होंने क्या पूछा कि उसको कितना कंपनसेशन उनसे मिलना चाहिए इंश्योरेंस कंपनी से, तो टोटल कितना कंपनसेशन मिलना चाहिए, टोटल कंपनसेशन शुड बी इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ लॉस, मतलब टोटल कंपनसेशन टोटल अमाउंट ऑफ लॉस क्या है, टोटल लॉस 6 लाख रुपए, तो टोटल कंपनसेशन 6 लाख रुपए होगा। क्यों? ये प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, कि जितना लॉस हुआ है उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। अब वो पूछ रहे कि यार कौन सी इंश्योरेंस कंपनी, ए इंश्योरेंस कंपनी है बी इंश्योरेंस कंपनी है ना, ए से अपन ने कितना ले रखा है, ए से अपन ने ले रखा है 5 लाख रुपए का, और बी से ले रखा है 15 लाख रुपए का। अब वो पूछ रहे हैं कि कौन सी कंपनी से अपन कितना क्लेम करेंगे, ठीक है। तो ए से कितना क्लेम करेंगे, क्लेम फ्रॉम ए, मतलब ए से आप कितना क्लेम करोगे, ठीक है। ए से अपन क्लेम करेंगे, क्या लिखते अपन कि इससे ए से कितने का ले रखा है अपन ने, ठीक है, 5 लाख अपॉन टोटल कितना हुआ 20 लाख, और इनटू एक्चुअल लॉस मतलब 6 लाख, ये कितना हो गया 1/4, 1/4 इनटू 6 3, 1,50,000, ठीक है, 1,50,000 अपन ने ए से ले लिया। बी से कितने लेंगे, 20 से आप कितने ले रहे हो, टोटल 20 से अपन ने इंश्योरेंस पॉलिसी कितने के लिए रखी है, 15 लाख अपॉन टोटल 20 लाख इनटू 6 लाख, तो ये कितना हो गया 4,50,000, ठीक है। अब ये तो अपन ने इससे निकाला, अब अपन चेक भी कर सकते हैं कि इन दोनों का सम है क्या आना चाहिए, हमेशा 6 लाख रुपए आना चाहिए। तो 6 लाख आ रहा है, 1.5 लाख प्लस
150,000 प्लस 450,000 कितना हो गया 6 लाख, तो ये सही है मतलब, ठीक है ये आंसर हो गया। अब सेकंड जो क्या है वो पूछ रहे हैं कि आनंद है वो क्या है, कैंसर डिसीज है उसको, कैंसर है, तो उसने क्या करा कि जब उसने स्टार हेल्थ इंश्योरेंस से इंश्योरेंस लिया उसका हेल्थ इंश्योरेंस, तो उसने कंपनी को ये नहीं बताया कि यार मेरे को कैंसर है, फिर बाद में क्या होता है कि यार उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है और जो भी खर्चा रहता है, फिर वो इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता है कि मेरे को जितना खर्चा हुआ मेरे को एक क्लेम चाहिए, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या एक्सेप्ट करेगी और नहीं करेगी तो क्यों नहीं करेगी, तो अपना आंसर क्या रहेगा कि इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि उसने प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ वो तोड़ा है, उसने कंपनी को ये नहीं बताया कि यार मेरे को कैंसर है, ठीक है, तो जो फेथ का रिलेशन था, भरोसे का रिश्ता था इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में, वो आपने तोड़ा है तो अब हम आपको वो क्लेम नहीं देंगे, ठीक। तो इसमें अपन देखेंगे यार कि इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर में से, और जो अदर है उनसे भी पूछे जाएंगे और प्रोबेबिलिटी उनकी भी है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी कम है, तो आपको इंश्योरेंस के जो प्रिंसिपल है ना ऐसे याद हो जाने चाहिए यार कि कोई भी उठ के पूछ ले तो अपन समझा दे, मतलब समझ तो आपको आएगा बस नाम याद रखने, फर्स्ट क्या है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, मतलब कि जो इंश्योरर इंश्योरर और इंश्योर्ड है उसके बीच में फेथ का रिलेशन है, झूठ नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड क्या है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, मतलब कि जो भी जिस भी चीज का इंश्योरेंस ले रहे हो उसका इंटरेस्ट, उसके अंदर आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। थर्ड क्या है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, मतलब ये प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं होना चाहिए। फिर फोर्थ क्या है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, मतलब कि जो भी अगर आपने वो लिया, अगर डबल इंश्योरेंस कराया है तो आपको कंपनसेशन सब डिवाइड प्रोपोर्शनेट बेसिस पे देंगे। फिर प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन, उसमें क्या था कि यार अगर आपकी कुछ भी गुड्स खराब हो गए तो इंश्योरेंस कंपनी आपको रुपए दे देगी और गुड्स की आप जो राइट्स है ना, गुड्स अगर जले हुए गुड्स है तो वो अब इंश्योरेंस कंपनी को जाएंगे, वो जले हुए गुड्स से जो भी रुपए आएंगे ना वो अब इंश्योरेंस कंपनी रखेगी। फिर प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रोक्सिमा, मतलब कि जो भी लॉस हुआ है वो सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड ही होना चाहिए अगर आपको वो इंश्योरेंस से क्लेम करना है। फिर लास्ट क्या था प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस, मतलब कि आपको वो अगर आप इंश्योरेंस नहीं लेते हो उस अगर कोई लॉस होता है आपको ना, तो उस टाइम आपको ऐसे एक्ट करना है कि यार आपने इंश्योरेंस नहीं ले रखा है, ऐसा नहीं कि आप बेफिक्र खड़े हो कि यार जलने दो गुड्स, ऐसा नहीं, आपको पूरा एक्ट करना पड़ेगा कि आपने इंश्योरेंस नहीं ले रखा है, आपको ट्राई करना है कि लॉस कम से कम हो, ठीक है। ये अपना आज ये 4th चैप्टर खत्म होता है, कल से अपन 5th चैप्टर पढ़ेंगे। ओके थैंक यू।